लक्ष्मी, मॉम लक्ष्मी, लक्ष्मी ने ना यहाँ घर घर खेलना शुरू कर दिया है। घर घर? हाँ मॉम, घर घर। उसने आज सुबह मेरे बेटे को उठाया, उसे अपने हाथ से केक बना के खिलाया और रोहन को बता भी दिया कि उसने आज सुबह जल्दी उठ के रोहन के लिए वो केक बनाया है। इसका मतलब समझ रही हैं? समझ रही हैं? नहीं मॉम, वो मेरे बेटे को ये दिखाना चाह रही है कि उसे मेरे बेटे की फिक्र मुझसे ज्यादा है। मॉम, रोहन छोटा बच्चा है, वो नहीं समझ पाएगा लक्ष्मी की ये सारी चालाकियाँ। उसे बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, उसे अपनी तरफ कर रही है लक्ष्मी। मॉम, रोहन मेरा बेटा है और वो उसको उससे फंसा रही है। मॉम, कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन लक्ष्मी इस घर में आ चुकी है, चाहे आप कुछ भी कहें। एक बात कहें तुमसे, अब ना हमें तुमसे थोड़ी दिक्कत होने लगी है। क्या? क्यों मॉम? क्योंकि तुम हर चीज को गलत नजरिए से देखती हो। मैं? हाँ तुम ये भी तो सोच सकती हो ना कि लक्ष्मी ये सब कुछ जो कर रही है ये अच्छे के लिए कर रही है। ऐसे केक बना के? हाँ, केक बनाकर। मलिष्का, लक्ष्मी वो कर रही है जो तुम्हें करना चाहिए था। उसने जब हम रोहन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और केक काटने ही वाले थे, हम पर दीवार गिर गई और रोहन अपना बर्थडे केक नहीं काट पाया। फिर उसके बाद हमने सोचा रोहन को खुश करते हैं, बर्थडे दोबारा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पारो बोरवेल में गिर गई। रोहन फिर से केक नहीं काट पाया और इन सब के बीच लक्ष्मी ने बहुत स्मार्टली तुम्हारे बेटे के दिल में जगह बना ली। अब जो हम कहेंगे ना मलिष्का, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें अपने बेटे के लिए ना कुछ करना चाहिए, और ये सोचकर नहीं कि तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी है, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के लिए उसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर देखना, तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी रोहन का प्यार जीतने के लिए। और हाँ, ये सारी गलतियां जो तुम कर रही हो ना, इसके बाद भी लक्ष्मी इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाएगी, वचन है ये हमारा। चलो पूजा के लिए जाना है। मैम, वो वकील मलकान जी आए। भेज दो। हमने बुलाया उन्हें क्योंकि अब बातों से कुछ नहीं करेंगे हम, सब कुछ लीगली करेंगे, कानूनी तरीके से करेंगे सब कुछ। माँ, बड़ी मॉम टीका बदल गए एकदम से। पारो, वैसे ना वो लोग अच्छे ही हैं, बस कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें किसी की कुछ आदतें पसंद नहीं आती, बस वही हो गया था, और थोड़ी गलत फहमियाँ भी थी हमारे बीच में, लेकिन वो लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं। सो तो है, पता है माँ, कल रात बड़ी मॉम मुझसे पूछ रही थी तुम्हें घर अच्छा लगता है या नहीं, रोहन अच्छा लगता है या नहीं, वो अच्छे लगते हैं या नहीं। तो फिर क्या बोला तूने? मैंने कहा मुझे सब अच्छे लगते हैं, रोहन, डैड, बड़ी मॉम, दीदा, सब अच्छे लगते हैं। माँ, पता है बड़ी मॉम मुझसे कह रही थी कि तुम इसी घर में रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ माँ। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्या करना चाहती है? और मुझसे बिना बात किए? नहीं नहीं, मुझे फौरन उनसे बात करनी पड़ेगी। पारो बेटा, तू एक मिनट यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? आप बताइए मिस्टर मुल्कानी, आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? हम आपको बहुत वक्त से जानते हैं और आपकी सलाह हमारे लिए मायने रखती है, तो आप बताइए क्या लगता है आपको, हमें क्या करना चाहिए? आपका डर यही है ना कि वो क्लेम कर सकती है, अपना दावा कर सकती है? जी हाँ, एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि कोर्ट में जाने से पहले पूरी बाजी हमारे हाथ में हो। ओके, तो मुझे आप ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं, क्या इंटेंशन है आपकी, उस हिसाब से हम आगे कोर्ट में देख लेंगे। अगर बच्ची की माँ भी है तो क्या हम बच्ची को अपने साथ रख सकते हैं हमेशा के लिए?